Hello everyone, welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स. उसके पहले थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, तो उन चीज़ों में जो टॉपिक्स पढ़े थे वो सारी चीज़ें मालूम होना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद, उसकी नॉलेज के बाद केमिकल काइनेटिक्स आसान हो जाती है. इसलिए अगर कोई चीज़ मिस हो गई है केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स से, तो मैं चाहूँगी कि तुम लोग उसको एक बार पढ़ लो और उसके बाद इस वीडियो को देखो. अगर पढ़ चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान है सारी चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे इसको देखिए और समझ में आएगा. तो एक बार देखिए, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पुराने वीडियोस निकालिए, उसमें से इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर पे जो वीडियोस हैं उनको पढ़ें और उसके बाद दोबारा इसको देखें, तो सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो आज जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स. और केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं. सबसे पहले क्या हमें जानना है कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या तुम्हारे कोर्स में है या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में. तो पहले एक बार हम सिलेबस पे नज़र डालते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है. केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो कि आज ही इस क्लास में पढ़ना है तुम्हें. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ने हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसमें आर्मियस इक्वेशन पढ़ना है. एंड कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है. सीरियल कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा ये दिया है उस हिसाब से वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है. नाउ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं. थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द फैसिबिलिटी ऑफ ए केमिकल चेंज एंड इज कंसर्न्ड ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एज सिस्टम्स. एज यू नो, इट ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस स्टेजेस थ्रू विद द रिएक्ट tends pass to reach the final state, that is mechanism of the reaction. The branch of physical chemistry which deal with the rate at which the chemical reactions occurs, the mechanism by which the chemical reaction takes place, and the influence of various factors such as concentration, temperature, pressure, catalyst, etc. on the reaction rate is called chemical kinetics. So this is the definition of chemical kinetics. Different chemical reactions occur at different rates. On the basis of rates, the chemical reactions are broadly divided into three categories.
First, very fast or instantaneous reactions. These reactions are so fast as they occur as soon as the reactants are brought together. Generally, these reactions involve ionic species, thus known as ionic reaction. These reactions take 10 to the power minus 40 to 10 to the power minus 6 seconds for completion. It is almost impossible to determine the rates of these reactions. Some examples are here. Precipitation of AgCl when solution of silver nitrate and sodium chloride are mixed. This is the very fast reaction. Jaise hi reactants ko milate hain, pat se turant AgCl and NaNO3 form ho jata hai. Second, precipitation of barium sulfate when solutions of barium chloride and sulfuric acid are mixed. This is the spontaneous or very fast reaction. Neutralization of an acid with base with their aqueous solution are mixed. Acid and base, this bahut hi fast reaction hota hai aur salt formation hota hai. Now, second category of the reaction is very slow reactions. There are certain reactions which are extremely slow. They may take months together to show any measurable change at room temperature. It is also difficult to study the kinetics of such reaction. Example, reaction between hydrogen and oxygen at room temperature is a very slow reaction. इसलिए इसी catalyst या इसको high temperature पे कराया जाता है तब ये fast होता है. Rusting of iron takes so many times. Reaction of atmospheric H2S on basic lead acetate paint. Now, third category of the chemical reaction is moderate reactions. Between the above two extremes, there are a number of reactions which take place at moderate and measurable rate at room temperature, and it is these reactions which are studied in chemical kinetics. Mostly these reactions are molecular in nature. Some common example of such type are given as like decomposition of hydrogen peroxide gives hydrogen and water. This is the moderate reaction. Decomposition of nitrogen pentoxide into N2O4NO2. Hydrolysis of an ester. Ester reacts with NaOH in aqueous solution to form sodium acetate and ethyl alcohol. Inversion of cane sugar in aqueous solution forms glucose and fructose. These are the moderate reaction, not very fast and not very slow. The reaction between nitrogen dioxide and carbon monoxide is also this type of reaction. Reaction between ferric chloride and stannous chloride in aqueous solution, ferric chloride reacts with stannous chloride to form clathrate chloride and stannic chloride. Another example, decolorization of acidified potassium permanganate with sodium oxalate and reaction between nitric oxide and chlorine. The chemical reactions can be slowed down or speeded up by changing conditions under which they occur. For example, very slow reaction CO plus 2H2 forms methyl alcohol can be speeded up by maintaining temperature about 400 degrees centigrade. At room temperature, this reaction is very slow, but at high temperature, 400 degrees centigrade, pressure about 3000 atmosphere, and using a catalyst containing zinc oxide and chromium oxide, the reaction rate is speeded up. The decay of food particles can be slowed down by preserving them in refrigerators. There are two principal reasons for studying chemical kinetics. The reason of the studying of chemical kinetics, there are two reasons. First, to predict the rate of a particular reaction under specified conditions. The condition can be adjusted to make the reaction to go at desired rate, either rapidly or slowly or moderately. The field of chemical kinetics is useful in industry as the conditions for the maximum yields of industrial products can be ascertained.
सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन द इंटेलिजेंट वेस रिकॉर्डिंग वेरियस एलिमेंट्री processes responsible for the formation of product can be made which should be consistent with experimental data. Now come on rate of reaction. Rate of reaction, average rate of reaction and instantaneous rate of the reaction. We are all familiar with processes in which something changes with time. Rate is usually expressed as the ratio of the amount of change in some quantity to the time required to produce that change. The rate is equal to change in some quantity upon time taken for the change. That is delta x upon delta t. The term delta x means x minus x यानी x final minus s initial final state में x क्या concentration में amount बचा और initial state क्या थी वो and delta t is the amount of time elapsed. For example, a car driver starts his journey at 9 a.m. with odometer reading x miles at 11 a.m. he reaches his destination. The odometer reading at destination is y miles. The rate of his travel can be calculated as. Rate is equal to distance upon time. The distance finally constant. Distance minus distance जो initial थी minus कर दिया upon time. Finally time किस time पे पहुँचे minus time initial जब start किया था journey तब तो ये हो जाएगा y minus x upon 11 minus 9. That is y minus x upon 2 miles per hour. The above examples indicate that the car has been driven with uniform rate, but actually it has been driven sometimes faster and sometimes slower depending upon the condition of the road. Thus, the overall rate is an average rate, and the rate at which the car was moving at any instant, that is instantaneous rate, was changeable. The rate measured over a long time interval is called average rate. The average, what is the average rate? The rate measured over a long time interval is called average rate. And the rate measured for an infinitely small time interval is called instantaneous rate. Any particular time pe, short period pe, rate hum measure karenge, to wo kya kehlayega? Instantaneous rate. And लॉन्ग टाइम इंटरवल पे मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा एवरेज रेट. नाउ इन ए केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व एज द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीज दैट इज रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज दैट इज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज एवरेज रेट इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of any one of its reactants or product per unit time. Now average rate of the reaction is equal to change of concentration of one of the reactants or product upon time taken for the change. Now consider the common reaction A goes converted into B. The average rate of the reaction may be expressed either in terms of decrease in concentration of A or in terms of increase in concentration of B, that is product A is reactant. The average rate of the reaction is decrease in concentration of A upon time taken, or average rate of reaction increase in concentration of B upon time taken. The concentration of the reactants or product substance includes in brackets. The symbol A enclosed in bracket stands for the molar concentration of A. The symbol delta A therefore stands for the change in molar concentration of A. The rate of decrease or increase in the concentration of the reactant or products may also be expressed in terms of their concentration during time interval delta T. Now, average rate of reaction is
minus delta A upon delta T, and or average rate of reaction is plus delta B upon delta T. Here negative sign placed before a reaction rate symbol signifies a decrease in concentration of the reactants with increase of time, and a positive sign before the rates symbolize that the concentration of the product increase with increase in time. Now the concentration change may be positive or negative, but the rate of reaction is always positive. The minus sign is always written when required, but plus sign is usually not mentioned. This is the point to be noted. Now, change of the concentration of reactant A and product as the chemical reaction A goes to B progress with time. Let AT1 and AT2 be the concentration of A at time T1 and T2 respectively. Certain time पे लिया गया reaction जो है, यहाँ पे ये पूरा दिखाया diagram है, curve दिखाया गया है time और concentration. तो टाइम जीरो और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जो कि ये प्रोडक्ट जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार टाइम के साथ घटता जा रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जीरो था और टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है, और एक पोजिशन ऐसी आती है कि ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता है. तो यहाँ हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड ले रहे हैं A1 to T2 T1 to T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, T1 पे कंसंट्रेशन AT1 एंड T2 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन BT2 हो जाता है. देन डेल्टा A चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा A इज इक्वल टू AT2 माइनस AT1, एंड डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी टाइम टेकन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट. And this is final concentration and initial concentration. Yeah, time T1 pe concentration or time T2 pe concentration ka difference. Now average rate ho jayega minus delta A upon delta T is equal to minus value delta A ki rakhi jayegi or delta T ki, to ye equation hume milega. Over the same time interval, T1 to T2, the concentration of B changes from BT1 to BT2. यहाँ देख सकते हो T1, T2 पे BT1 से BT2 concentration of B change हो जाता है. तो अब जब product को हम ऐसे consider करेंगे, तब हो जाएगा delta over the same time T1 to T2, the concentration of B change from BT1 to BT2. Now average rate is equal to delta B upon delta T. जब हम product को consider करेंगे, और delta B T2 half minus B T1 minus T2 upon minus. Since one mole of A produce one mole of B, the rate of decrease in concentration of A should be equal to the rate of increase in concentration of B. Thus, R for the reactants and R for the reaction rate for the reaction rate for the product को consider करके जब हमने निकाला तो average rate of reaction, और जब reactant को consider किया तो average rate of reaction is equal to this is equal to this. वैल्यूज रखने पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होगा. नाउ रिएक्शन रेट हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, देयरफॉर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर पर सेकेंड, इन शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, या मोल पर लीटर पर मिनट, शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे मोल एल माइनस वन मिनट माइनस वन, या मोल पर लीटर आवर इस तरह से लिखेंगे मोल पर लीटर डे, इस तरह से लिखेंगे मोल पर लीटर ईयर, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने का जो भी टाइम होगा उसको लेकर के हम जो यूनिट ऑफ द
यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, द गैसियस रिएक्शन कंसंट्रेशन मे बी टेकन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन द गैसियस रिएक्शन द कंसंट्रेशन मे बी टेकन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू सी आर टी। गैसियस स्टेट में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। नाउ पी प्रोपोर्शनल सी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, C is the moles per liter concentration. Thus, unit of rate reaction will also be equal to atmosphere per second. The simple example here, the reaction, in a reaction, concentration of reactant A change from 0.200 mole per liter to 0.1050 mole per liter in 10 minute, what is the average rate of reaction during this inverter? Delta A is equal to A final minus A initial, and time 10 minutes, so average rate of the reaction values rakhne pe aa jayega 0.005 mole per liter mole minus 1. Now consider the following reaction between CO and NO2. CO reacts with NO2. Nitrogen dioxide forms carbon dioxide and nitric oxide. The equation shows that when 1 mole of CO reacts with 1 mole of NO2, 1 mole of CO2 and NO are formed. The average rate of reaction can be expressed either by decrease of concentration of any one of the reactants, CO or NO2. Or by the increase in concentration of any one of the products, CO or CO2. Thus, minus CO upon delta T. इधर से लेंगे इधर से तो reaction rate हो जाएगा minus delta CO upon delta T is equal to minus delta NO2 upon delta T. इसके आगे minus लगाएं क्योंकि ये reactants है और इनका concentration कम हो रहा है, is equal to delta CO2 upon delta T for this or delta NO upon delta T. तो reaction rate हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी एक reactant या product की rate जो होगी वो reaction rate होगी और सभी reaction और product की इस तरह से equal होगी। सिर्फ reactants के लिए minus लगाया जाएगा जबकि product का concentration लगातार बढ़ता रहता है तो उसके लिए plus या कुछ भी नहीं लगाएंगे। However, for the reaction, second reaction है 2H2O2, decomposition हो रहा है 2H2O plus O2. It is observed that 2 mole of H2O2 decompose 1 mole of O2 is formed in the same time interval. The rate of increase in the concentration of O2 therefore is half that of the disappearance of the concentration of H2O2 in the same time. So delta O2 upon delta T is equal to, यहाँ पे ये 2H2O2 है तो यहाँ हम H2O2 होल स्क्वायर लिखे या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon 2 into delta H2O2 upon delta T. This is the rate of the average rate of the reaction. इन जनरल फॉर द रिएक्शन अब इस तरह का रिएक्शन भी देख सकते हैं, N1A plus N2B converted into M1C plus M2C, these are the product and these are the reactant. The rate expression may be expressed as 1 upon N1, N1 आगे है, या तो हम डेल्टा A to the power N लिखें, N1 लिखें, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon N1 into delta A upon delta T. इसी तरह से N2B है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon N2 into delta B upon delta T. इन दोनों reactants हैं तो minus लगेगा. Is equal to 1 upon M1 delta C upon delta T. Is equal to 1 upon M2. कंडीशन इसको समझना, या तो हम इसको T square लिख सकते हैं यहाँ, या इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon M2 D delta T upon delta T is equal to rate of the reaction. तो इस तरह से express करेंगे rate of the reaction. Now see the example for the reaction H2 plus I2. तो the rate may be expressed as
पहले रिएक्टेंट्स लेते हैं, माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू स्क्वायर ना लिख करके हमें लिखेंगे वन अपॉन टू डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी, इससे कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। सिमिलरली फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फाइव इन सी सी एल फोर मीडियम द रेट में भी एक्सप्रेस टू एन टू ओ फाइव है फोर एन ओ टू प्लस ओ, इसका रेट हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस हाफ क्या है टू एन टू ओ फाइव है, इसके लिए माइनस हाफ डेल्टा एन टू ओ फाइव अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे दूसरा क्या है फोर एन ओ टू, इसके लिए हम लिखेंगे वन बाई फोर इंटू डेल्टा एन ओ टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा जाता है और निकाला जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फाइव इज एक्सप्रेस बाई द इक्वेशन एन टू ओ फाइव undergoes reaction to form 2NO2 plus half O2. If during a certain time interval the rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 to the power minus 3 mole per liter per minute, what will be the rate of the formation of NO2 and O2 during the same interval? The rate expression for the decomposition of N2O5 is equal होगा सब 4, ये हो जाएगा 4 N2O5 delta T is equal to product है 2NO2 है तो half delta NO2 delta T is equal to, यहाँ पे क्या है half है तो ये हो जाएगा 2 into delta O2 upon T। तो किसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है तो और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो डेल्टा एन ओ टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टू इंटू डेल्टा एन टू ओ फाइव हो जाएगा वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसी तरह से डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एन टू ओ फाइव, तो इसकी वैल्यू दी हुई है, रख करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेंस माइनस डेल्टा एन टू ओ फाइव डेल्टा टी इज टेकन पॉजिटिव। इन केमिकल काइनेटिक्स द रेट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट रेदर देन द एवरेज रेट ओवर ए टाइम इंटरवल हैज मच मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंट। तो वो जो रेट अभी तक निकाल रहे थे हम वो एवरेज रेट था, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम अचानक रेट ऑफ द रिएक्शन निकाले वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ सी अगेन, इन केमिकल काइनेटिक्स द रेट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट रेदर देन द एवरेज रेट ओवर ए टाइम इंटरवल हैज मच मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंस। It is defined as the rate of change of concentration of any one of the reactants or product over a very small interval of time is known as instantaneous rate of the reaction. We take infinitesimally small interval of time dt. It may be assumed that the rate is uniform throughout this interval. Then if dx is amount of substance A transformed to B during this interval, the rate of reaction at that instant is given as minus dx upon dt. When delta t becomes very small and approaches zero, the ratio delta A upon delta t may be replaced by the derivative dA dt upon. Now, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट टी टू जीरो पे माइनस टी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा एट ए बाय द डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड। ऑन द अदर हैंड, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी one of the product which goes on decreasing then rate of reaction at particular instant is equal to delta dx upon t t,
Now consider the following reaction. Rate of reaction d minus d a upon dt. Reaction है a plus b into form कर रहा है c plus t. These are the product and these reactant. The rate of reaction minus d a upon dt is equal to minus d b upon dt is equal to d c upon dt is equal to d d upon dt. Now see the example. Acetic acid reacts with methyl alcohol forms ester and water. The rate DCH3COOH-DT is equal to minus, दोनों ही minus में होंगे reactants है, is equal to DCH3COOCH3 methyl methanoid upon DT is equal to DH2O upon DT. इस तरह से लिखेंगे. इसी तरह NO plus O3 forms NO2 plus O2. The rate हो जाएगा DNO upon DT is equal to minus, इन दोनों के आगे minus होगा, DNO3 upon DT is equal to DNO2 upon DT is equal to DO2 upon DT. Now take a reaction A plus B undergoes 2C. The rate DA upon DT is equal to minus होगा दोनों, DB upon DT is equal to 2C है तो ये हो जाएगा half D, या तो C square करें या हम इसको half DC DT. Example H2 plus I2 is equal to 2HI, तो रेट हो जाएगा DHI2 upon DT is equal to DI2 upon DT, minus में होंगे, is equal to 2HI है तो half DHI upon DT. In the same reaction 2NO plus O2 reacts with NO, reacts nitric oxide with oxygen to form nitrogen dioxide. Here rate minus half DNO upon DT minus T O2 upon DT is equal to ये जाएगा half DNO2 upon DT. तो इस तरह से रिएक्शन देख करके हमें अगर लिखना आता रहेगा कि रिएक्शन रेट का फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा. नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन 2A टू फॉर्म 2B plus द रेट इसके लिए हो जाएगा माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4B है तो 1 अपॉन 4 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी. एग्जाम्पल 2N2O5 फॉर्म्स 2NO2 plus O2. फॉर दिस रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ डी N2O5 अपॉन डी टी. फॉर दिस इज इक्वल टू 4NO2 है तो 1 अपॉन 4 डी एन ओ टू अपॉन डी टी is equal to DO2 upon DT. Now for the reaction M1A1 plus M2A2 N1B1 plus N2B2. किस तरह लिखेंगे इसको? Rate is equal to minus 1 upon M1 DA1 upon DT is equal to 1 upon M2 DA2 upon DT is equal to, अब product पे आ गए तो minus नहीं लगेगा, 1 upon N1 DB1 upon DT is equal to 1 upon N2 dB2 upon dt. So this is clear. Thus, to generalize, the rate of reaction is defined as instantaneous rate of change in concentration of reactants or product divided by the corresponding stoichiometric coefficient appearing in balance equation of the chemical reaction. Now experimental determination of instantaneous rate of reaction. In order to determine change in concentration of reactants or product, it is customary to take a small portion of the reaction mixture at suitable intervals of time and freeze them rapidly to about 0 degree centigrade as to stop the reaction. The concentration is then measured with the help of suitable method. In several cases, concentration change are measured by observing change in certain physical properties which are proportional to it, such as optical densities, electrical conductivity, optical rotation, etc. Now, a curve is plotted between concentration and time. The tangent is drawn to the curve at the point of corresponding to time interval t. The slope of this tangent gives the instantaneous rate of reaction like this. This is the slope
अब द रिएक्शन टाइम लिया गया है टाइम के साथ कंसंट्रेशन, तो पहले रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और टाइम के साथ इस तरह से ये बढ़ता जाता है। और दूसरा है नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेट। तो इसमें हमने रिएक्शन रेट भी टाइम के साथ दिया है कि रिएक्शन रेट किस तरह से कम होता जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। अब ये डेल्टा एक्स डेल्टा टी एंड क्यू पी क्यू, ये पूरा ये स्लोप है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व दैट इज इंटरसेप्ट अलोंग ऑर्डिनेट अपॉन इंटरसेप्ट अलोंग एस पी सी। देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये कहाँ है डायग्राम में देखिए आप, दिस इज द डेल्टा एक्स एंड दिस इज द डेल्टा टी एट टाइम फाइनल फाइनल एंड इनिशियल एंड दिस इज एट स्लोप से लिया है डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटरसेप्ट अलोंग ऑर्डिनेट अपॉन इंटरसेप्ट अलोंग एफ सी का डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन करेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज विद टाइम दस द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द स्टेट कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। The rate of reaction is maximum at the initial state and decrease with time. Theoretically, infinite time would be required for the reaction to complete, but the reaction rate becomes so slow after a certain time that for all practical purpose, the reaction can be considered to be completed. It is evident that the rate of the reaction is varying from moment to moment. Now, reaction lifetime. It is defined as a time taken by the reaction to proceed to 98% of completion. The shorter the lifetime, the faster the reaction. The reaction lifetime are used to compare the various reactions. Reactions are also compared with half-life period. The half-life period of reaction is defined as a time during which the concentration of the reactant is reduced to one half of its initial value or the time in which half of the reaction is completed. This is the half-life period. It is generally denoted by T half. The shorter the half-life period, the faster is the reaction. Now for each of the following reaction, express the given rate of change of concentration of the reactant or product in terms of rate of change of concentration of other reactants or products in that reaction. H2O2 plus 2H plus plus 3I minus forms I3 minus plus 2H2 reaction rate minus DI minus upon TT is what DI, yani iska nikalna hai hame, DI upon TT is what and DH plus upon TT is what. Complete reaction likh karke hum reaction rate likh sakte hain. Isko pehle hame balance nahi, ye reaction diya hua hai, balance nahi karna hai, second part hai. वो ए पार्ट था और सेकेंड रिएक्शन है इस तरह से, इसके लिए हमें डी एम एन ओ फोर अपॉन डी टी निकालना है। थर्ड रिएक्शन है ये हमारे सामने, जिसके लिए हमें डी एन एच थ्री अपॉन डी टी निकालना है, यानी रेट ऑफ द अमोनिया फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ टू एम एन ओ फोर, इस तरह से हमें निकालना है। सॉल्यूशन, पहला रिएक्शन है एच टू ओ टू प्लस टू एच प्लस प्लस थ्री आई माइनस I3 minus plus 2H2O, ये reaction, ये product का हो गया। The equality in this case is अब minus DH2O2, जब reaction rates हम लिखेंगे तो सारे किसी भी product और किसी भी reactant का लिख सकते हैं, तो DH2O2 upon DT minus half TH plus DT is equal to minus
हाफ वन अपॉन थर्ड हो जाएगा ये डी आई थ्री अपॉन डी टी एन आई थ्री डी आई माइनस थ्री डी टी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ डी एच टू ओ टी। इस तरह का रिएक्शन रेट हम निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है डी टी माइनस डी टी तो इज इक्वल टू इसके इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा क्योंकि ये वन अपॉन थ्री है तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स थ्री इंटू डी एच टू ओ टू अपॉन डी टी और डी थ्री अपॉन टू थ्री अपॉन टू हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से क्योंकि ये क्या था यहाँ पे वन अपॉन थ्री तो अगले जो होंगे वो थ्री से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे ये हो जाएगा थ्री अपॉन एच प्लस का ये है एच प्लस का हाफ है तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू डी एच प्लस। उसके बाद डी आई थ्री पे आते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्री डी आई थ्री अपॉन डी टी। उसके बाद लास्ट वाले में क्योंकि हमको डी आई माइनस डी टी निकालना है जिसकी वैल्यू है हाफ वन बाई थ्री डी आई माइनस टी तो ये इक्वल किसके होगा वन अपॉन थ्री है तो थ्री से सारे जो दूसरे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज है वो थ्री से डिवाइड कर दिए जाएंगे। अब हमें निकालना है डी एच प्लस ये कहाँ है कि डी एच प्लस डी टी तो ये वन अपॉन हाफ है तो सारे जो रिएक्शन रेट्स है वो टू से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम ये डी आई माइनस डी टी निकाल सकते हैं एंड डी एच प्लस डी टी निकाल सकते हैं। इस तरह से ये इन सब के इस तरह से बराबर होगा। सेकेंड रिएक्शन है डेल्टा एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर प्लस यहाँ हमको ये निकालना है इसका निकालना है फार्मूला पूरा क्या होगा इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्सटीन डी एच प्लस डी टी इसके लिए हो जाएगा हाफ डी एम एन ओ माइनस डी टी इसके लिए हो जाएगा वन अपॉन टेन डी आई माइनस डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन डी एम टू प्लस डी टी आगे एच टू ओ के लिए वन अपॉन एट डी एच टू ओ डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव डी आई टू अपॉन डी टी। अब हमको निकालना क्या है डी एम एन ओ फोर माइनस डी टी तो ये हाफ डी एम एन ओ माइनस है तो सारे जो रेट रिएक्शन इक्वेशन है इनको टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा सो डी एम एन ओ माइनस ओ फोर माइनस डी टी इज इक्वल टू या फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वन अपॉन एट यहाँ पे देख सकते हो ये कितना था ये है वन अपॉन एट दो से मल्टीप्लाई होगा तो वन अपॉन एट हो गया ये। इसी तरह से बाकी दूसरा हो जाएगा वन अपॉन फाइव जो कि वन अपॉन टेन था यहाँ पे डी आई माइनस डी टी यहाँ पे डी एम एन टू प्लस डी टी हो जाएगा लास्ट में हाफ डी एच टू ओ डी टी हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा टू अपॉन फाइव डी आई टू सारे के सारे जो हैं यहाँ से वन अपॉन टू हटा तो ये सारे जो हैं दो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह अगला इक्वेशन है तो ये किसी के भी बराबर होगा इनमें से जिसकी भी वैल्यू हमें मालूम होगी उसको रख करके हम डी एम एन ओ फोर माइनस डी टी निकाल लेंगे। उसके बाद एन एच थ्री का हमें यहाँ निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा वन अपॉन फोर हो जाएगा डी एन एच थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव डी ओ टू डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर डी एन ओ टू डी टी और इसका हो जाएगा वन अपॉन सिक्स डी एच टू अपॉन डी टी। अब डी एन एच थ्री अपॉन डी टी निकालना है वन अपॉन फोर है तो इन सबको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर अपॉन फाइव डी ओ टू अपॉन डी टी ये हो जाएगा फोर फोर कैंसिल हो जाएंगे तो डी एन ओ टू अपॉन डी टी और ये हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री डी एच टू। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन सी आर टू ओ सेवन टू माइनस एंड एच एन ओ टू इन द एसिडिक मीडियम इज लाइक दैट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्रोमियम आयन सी आर टू ओ सेवन इज फाउंड टू बी 2.4 into 10 to the power minus 4 during a measured time interval. Find the rate of disappearance of HNO2
एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आर थ्री प्लस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. तो उसी तरह से पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा जाएगा. इस तरह से रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे पहले, फिर इट इज गिवन दैट माइनस डेल्टा सी आर टू ओ सेवन माइनस टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. इसको जब थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको निकालना होगा तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और जब सी आर थ्री प्लस का निकालना होगा हमें तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये इक्वेशन में देख करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जो उसके आगे दिया हो. द फॉलोइंग रिएक्शन वॉज कैरीड आउट इन सी एल टू प्लस टू एच आई माइनस आई टू 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 सी एल माइनस. द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ आई माइनस वॉज 0.25 मोल पर लीटर एंड द कंसनट्रेशन आफ्टर 10 मिनट 0.23 मोल पर लीटर. कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ आई एंड अपीयरेंस ऑफ आई. तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसी तरह से हुआ. पहले तो हम फाइनल और इनिशियल स्टेट इसकी निकाल लेते हैं. कंसनट्रेशन दिया है, डेल्टा टी दिया हुआ है, तो डेल्टा आई माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस हो जाएगा. उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई टू इक्वेशन देख के उसका फार्मूला लिखोगे तो वैल्यूज दी हुई है डेल्टा आई माइनस और डेल्टा टी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई टू की इतनी आ जाएगी. एंड उससे पहले एंड रेट वही होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो आयोडाइड आयन होगा वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन होगा. तो इस तरह से ये सम स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी जो कि केमिकल काइनेटिक्स में अभी तुम लोगों ने अभी पढ़ा, जो रिएक्शन रेट्स किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से रिएक्शन देख करके रिएक्शन रेट का फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिक पॉइंट है, पहले ये समझ में आ जाएगा कि कोई रिएक्शन देखा तो उसका रिएक्शन रेट निकालने के लिए कैसे फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आगे समझ में आती रहेंगी. तो आगे भी हम रिएक्शन रेट्स पे ही डिस्कस करेंगे, रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, आरहेनियस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें अगले क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे.